एक वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया है, श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है। मेरे पुत्र एवं पुत्र वधु ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहाँ संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है, क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया। जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा, जो जो जिस जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं हुए। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए, हमने फिर छोड़ दिया बाबा। 14 साल हो गए। 14 वर्ष के बाद की कथा टीवी पर आई, तब मेरी बहन मुझे फोन किया सुपुरण कथा का। मैंने पुत्र वधु से कहा कि कथा सुनो, और पुत्र वधु से कहकर 8/10/2022 के पहले हमने बाबा देवदत्त महादेव का वही अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, और जैसा आप कहते हो जल का और बेलपत्र का महत्व, वैसा ही वैसे ही करा। बाबा की कृपा से 8/10/2022 को मेरे बाबा ने मेरी बहू के गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ये शिव की कृपा, दोनों बच्चों का। और देखिए गुरुदेव, जहां पर डॉक्टर बोल रहे थे एक संतान नहीं होगी, मेरी बहू के गर्भ से एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई है। दोनों के फोटो लगा रही हूँ, उनके फोटो भी मैं लगा रही हूँ, आप फोटो भी देख सकते हैं, एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघट है। अनीता गोहे अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनीता जी गोहे अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूँ। गुरु जी, आपकी कथा टीवी पर 2020 से सुनना प्रारंभ करा, आपकी बाबा की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बिटिया की शादी को कई वर्ष हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब डॉक्टर को दिखाया, बच्चे नहीं हुए गुरुदेव। तब मेरी बिटिया को मैंने पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी बेटी ने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 16 मार्च 2021 को मेरी बेटी के घर में एक बेटे का जन्म हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। ये शिव तत्व, ये शंकर है, यह उघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। समय प्रभु
वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीर अंत समय प्रभु 25 लाख की गाड़ी दरवाजे पर रखी रह जाएगी, करोड़ों का बंगला रखा रह जाएगा, एक से बढ़कर एक सूट बूट हेट सब धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। तब उस जगह पर केवल एक ही चीज काम आएगी, जो तुमने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, वो जल का लोटा ही आखिरी में लोटा में ही भराओगे और लोटा में ही जाओगे। 25 लाख की गाड़ी वाला भी 25 रुपए के लोटे में भरा कर चला जाता है। 25 लाख की गाड़ी। इसलिए मेरी छत्तीसगढ़ की बहनों, जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, एक बात का स्मरण रखिएगा अपने पास, समय की अवस्था को पहचान, जल के महत्व को पहचान, व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, भजन करो मना नहीं, कीर्तन करो मना नहीं, वो भजन वो साधना वो व्रत वो उपास तुम्हारा भगवत भजन को प्राप्त करने का। लोग पूछेंगे एक लोटा जल कहां से लेकर आए हो महाराज? पूरी दुनिया में सबको लगता है कि ये एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने का बताते हैं, बेलपत्री खाने का बताते हैं, शिवजी पर चावल चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने का बोलते हैं, दुर्वा चढ़ाने का बोलते हैं, शिवजी को समी का पत्ता चढ़ाने को बोलते हैं। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण, कभी आपको बोला इस व्यासपीठ से कि शंकर जी के मंदिर में जाकर इतने लाख रुपए दिया ना, या ऐसा कर देना, या तुम्हारा खर्च करने की कभी बात नहीं करी होगी, बात करी होगी तो केवल एक लोटा जल या एक बेलपत्र की, और बेलपत्र की भी बोली होगी कि शिव जी पे चढ़ा हुआ ही तुम तो उठा कर चढ़ा दो, उतने में भी आनंद हो जाएगा। बोला कि नहीं बोला? उतने में भी सुख हो जाएगा। उस एक लोटे जल का प्रमाण क्या है? पार्वती मैया ने व्रत करा जिस व्रत का नाम था पुण्यक व्रत, और उस पुण्यक व्रत का जो बल था, उस पुण्यक व्रत का जो प्रभाव था, उस पुण्यक व्रत का जो आनंद था, एक वर्ष तक उस व्रत को करना था और एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना था। एक वर्ष के बाद उसका उद्यापन माता पार्वती जी कर रही हैं, क्योंकि उनके घर में संतान नहीं है। ददीची बाबा की धर्म पत्नी का जो श्राप लगा सारे देवताओं को लगा है, संतान के संतान तो दुख है, भीतर से करूं क्या? तब पुण्यक व्रत करा, एक वर्ष का व्रत माता पार्वती जी ने पेड़ के नीचे बैठकर करना, उसकी पत्तियों को खाना और भगवान का पूजन करना। जब पुण्यक व्रत एक वर्ष का हो गया, तब शिव जी से माता पार्वती जी ने कहा, आज मेरा पूरा हो गया, अब मैं उद्यापन करना चाहती हूं, अब मैं उद्यापन कर दूं। उद्यापन का मतलब जानते हो ना आप लोग? व्रत पूरा होता है, पशुपति व्रत पूरा हुआ, 108 दाने आपने चावल के चढ़ाए या बेलपत्री के चढ़ाए या आपने फूल की पंखड़ी चढ़ाई, कुछ भी चढ़ाया, चढ़ाते हो ना 108 दाने, या श्रीफल भेंट के साथ शिव जी को दिया। जब तुम्हारा 5 पशुपति व्रत पूरे हो गए, तब तुमने 5वें व्रत के दिन ही यह सब कुछ कर दिया कि आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो गया, आज मेरा उद्यापन हो गया, आज उद्यापन हो गया। अब उद्यापन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लाट तुमने लिया, समझना थोड़ा बहुत अच्छे से, ध्यान से समझना उद्यापन का मतलब। तुमने प्लाट लिया, तुमने जमीन ली, तुमने मकान लिया, मकान में तुम रहने भी लगे, प्लाट में तुमने घर भी बना लिया, पैसे भी पूरे दे दिए, दे रहे हो,
पैसे भी देती है, पूरे महीने, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए रहते रहते, पर तुमने उस प्लाट की, उस मकान की अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो वो मकान तुम्हारा होगा क्या? जम के बोलो जरा, तुमने उसकी लिखा पढ़ी नहीं कराई, उस पर तुम्हारा सिग्नेचर और बेचने वाले का सिग्नेचर नहीं है, साइन नहीं है, तो उस प्लाट की, उस जमीन की, उस मकान पर तुम्हारा कोई कब्जा नहीं होगा, तुम भले रह रहे।